आज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं गढ़ कले में। ये है अपना आज का नाश्ता, तो खा के देखते हैं, टेस्ट करते हैं। कैसे चला माँ कसम। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? हेलो नमस्ते जय जोहार, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो आज का जो मोटो व्लॉग है ये दूसरा वीडियो एक्चुअली में, फर्स्ट वीडियो तो कार वाला है जो अभी बन भी नहीं रहा, शायद कल ही बनेगा लग रहा है। एनीवेज तो अभी चलते हैं कहीं और। कोई तो चोर जा रहा है, तभी टू 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 बज रहा है उधर देखो। अरे 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 ऐसे आ गया, गौर से पहचानी इसको, शख्स को जानते होगे सब रायपुर वाले भाई लोग सब। नहीं नहीं ऐसे ही देखेंगे दिखाएंगे, हमारे व्लॉग में सब सच्चाई वाला व्लॉग चलता है ना। तो ये समीर भाई हैं, इनका चैनल भी जानते होगे सब लोग, समीर व्लॉग्स। आपको भी जानता है ये तो, अच्छा साइड में नहीं गए थे आरएस वाला? हाँ 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 वाला था। और भाई कैसे हो? तो यहाँ पे भाई 6 बज चुके हैं और बहुत देर तक बातचीत कर लिए यूट्यूब के बारे में। समीर भाई के साथ उसको भी कहीं जाना था, साथ वीडियो वगैरह एडिट कर रहे थे तो लेट हो रहा था उनको, तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया क्योंकि ऑब्वियस है दूसरे के काम क्यों बिगाड़ना। तो चलते हैं अभी कहीं और। ट्रैफिक। तो अभी भैया के शॉप में आ गए हैं, प्रेम भाई के शॉप में। हेलो भैया, मोती भैया। हेलो। तो एक काम शॉप आऊँ भैया को, जो हेलमेट है ना उसमें अपना इंटरकॉम लगा हुआ है, तो कई बार होता है जब हम लोग मोटो व्लॉगिंग करता हूँ मैं, आप लोग को मतलब जो इंटरकॉम में कनेक्ट रहते हैं उनका आवाज़ सुनने नहीं देता, तो उसका सेटिंग कर रहे हैं। उस दिन भी कम आवाज़ आ रहा था जब हम लोग नहरापुर गए थे, तो है ना भैया, उसमें तो खैर आया ही नहीं लगभग, लास्ट में नहीं है, लास्ट वीडियो में नहीं आया। उसको क्या है ना, इसे पूरा खोलना पड़ेगा, यहाँ से पूरा निकालना पड़ेगा लाइनर को, उसके बाद ये वायर कितना लंबा है देखना पड़ेगा, तो वो सब सेटिंग करेंगे, अभी देखते हैं कैसे सेट होता है। वैसे पहले वाला जो इंटरकॉम था उसमें मैंने सेटिंग किया था, तो वायर उसका बड़ा था तो हो गया था, बट ये क्या है थोड़ा छोटा है, तो देखना पड़ेगा कैसे होता है। अभी सिर्फ सेट कर रहे हैं, उधर माइक को लगाना पड़ेगा ताकि हिले ना, ये मेहनत करना पड़ता है। ये कम से कम सेट हो गया टेम्पररी, अब ये जो वायर है ना इसको फ्लेक्सिबल करना है, मतलब से हेलमेट बंद करेंगे ना तो ये वायर अंदर नहीं जाना चाहिए या फंसना नहीं चाहिए, तो इसको बस सेट करेंगे। बस यहाँ का दिक्कत है, क्योंकि खुलेगा तो थोड़ा एक्सटेंड होगा, ये एक्सटेंड होगा। हाँ तो ये फिल करके तो कर, हाँ और जैसे बंद करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, छोटा होगा तो ऐसे होगा, तो थोड़ा यहाँ पे दिखेगा, तो उसी को सेट करना है। ये हो गया रेडी, फाइनल टच दे दिया हमने, इसका टेस्ट करके आते हैं। और देखो कुछ इस तरह से सेटअप किया है, माइक के सामने स्पीकर लगाया हूँ, अभी अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, पर अपने पास टेप नहीं था ब्लैक वाला तो वाइट वाला लगा दिए, जो मेडिकल वाला आता है वाला टेप। और बाकी वायर को ऐसे अंदर से लाया हूँ, जब भी इसको मैं बंद कर रहा हूँ तो ये अंदर चले जाता है, और जब खींचता हूँ तो वायर खींचा जाता है, तो ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उसको टेस्ट करके आते हैं और आप लोग को बताना फिर कैसा आवाज़ आ रहा है। तो प्रेम भैया चले, चलो। हेलो हेलो, माइक टेस्ट। मैं बोलूँगा भैया, मेरा माइक टेस्ट। हाँ आप करो, आप बोलो। तो प्रेम भैया का आवाज़ आ रहा है, सुनो तो बताओ आप लोग। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। मुझे एकदम कम सुनाई दे रहा, पता है एक कान में है ना इसलिए। हाँ तो साला स्पीड में तो सुनाई नहीं देगा। आपको इंटरकॉम तीन स्पीकर वाला हद है यार। इसका आवाज़ बढ़ा के देखें क्या, नीचे साइड है ना, ये है ना, यही है ना, फुल है। सोचता हूँ मैं अपग्रेड कर लूँ क्या करके, नया लूंगा फिर, नया वाला डोमिनार ही लूंगा मैं। मतलब डोमिनार के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? और कोई ऑप्शन नहीं, उसको फिर मॉडिफिकेशन कराऊंगा, सब चीज करना पड़ेगा ना फिर। कैसे चला माँ कसम, एकदम सामने से निकला पता है एक टीओ वाला। अरे साला हवा हो गई थी मेरी, आज भी ले गया था ये अपना साईं मंदिर के पास में, ट्रक वाले का एक्सीडेंट देखा हूँ मैं, इतना भयंकर ना भैया। ओहो
तो आप लोग बताइए भाई, भैया का आवाज़ आ रहा होगा तो थोड़ा कम आ रहा होगा या ज़्यादा आ रहा होगा? अभी तो खैर एडिटिंग करूँगा तब पता चलेगा। भैया सामने ही है अभी। चलो बढ़िया है, ऐसा रिकॉर्ड होगा तो अपन नेक्स्ट राइड होने वाला है, मज़ा आ जाएगा। पहले गाड़ियाँ तैयार करवानी पड़ेगी। नहीं, गाड़ी का काम हो जाएगा लग रहा है, क्योंकि चैन स्प्रे वगैरह का काम तो हो जाएगा, लेकिन वो सस्पेंशन का तो पता नहीं यार, कोविड की वजह से साला लटक गया है, अभी तक नहीं आ रहा है। भैया स्टैंड उठा लो। अभी कहाँ चले अपन? अभी कहाँ चले बताओ, कुछ खा के आते हैं। चलो चलो, कहाँ पे मिलता है कुछ हल्का फुल्का ही खाएंगे। हल्का फुल्का फर्रा खाएगा? हाँ, छत्तीसगढ़ी डिश होता है आपका। हाँ, फर्रा फर्रा। अरे अरे चलो भाई, फर्रा फर्रा बोलते, फर्रा नहीं होता। अरे भैया खुल गया, ग्रीन सिग्नल हो गया, ले ले। वापस बंद हो गया ये। क्या करे भाई, छत्तीसगढ़ है ये, रायपुर। इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया ना रायपुर में अभी, पता नहीं साला पार्किंग तो मिलता ही नहीं है। रोड में भी देखो कितना ज्यादा, ऊपर से बना भी नहीं है ये, जो ऊपर में क्या बन रहा है तो दरा अलग है। वो क्या प्रोजेक्ट बनाते हैं समझ में नहीं आता, कौन ऊपर चलेगा भैया जब दुकान नीचे है तो। यहाँ पे भले मेट्रो चला दो, मतलब रायपुर की इस कोने से उस कोने तक छोटा सा, वो कोलकाता में जो चलता है। हाँ हाँ बस ही और क्या। ये क्या बिल्डिंग, मल्टी लेवल पार्किंग बन रहा है ना ये। सही है। कैमरा नो अलाउ। अरे बंद है, नहीं खुला है, खुला है, खुला, 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 जगह है कि नहीं गाड़ी रखने के लिए। ये है ना, पहले घुसेड़ दूंगा। बेबी टाइगर विल गो इनसाइड इट। ओके जी, ये गढ़ का लेवा आ गया, यहाँ तो कैमरा अलाउ नहीं होगा तो इसको बंद करते हैं अपन। शायद लिखा हुआ है कैमरा अलाउ नहीं है। चलो ये है अपना आज का नाश्ता, छत्तीसगढ़ी डिश भी है, इसको बोलते हैं अड़सा रोटी मुंगेड़ी बड़ा। ये है अपना फरा भी बोलते हैं, और इसको मुठिया भी है। फरा इसलिए क्योंकि थोड़ा पतला है, नहीं तो फिर इसको क्या बोलते हैं, मोटा रहता तो खा के देखते हैं, टेस्ट करते हैं। मुंगेड़ी भी अच्छा लग रहा है मुझे, गरम है ना, काफ़ी अच्छा जगह है यहाँ पर, सब ट्रेडिशनल वो बनाया है, सीट वगैरह बैठने का लकड़ी का पूरा। ये अड़सा रोटी बोलते हैं, लेकिन एकदम गुड़ का बनता है ना ये, बहुत टेस्टी लगता है, मैं घर में बहुत खाता हूँ, गाँव में दादी बनाती मस्त। बहुत टेस्टी है, गुड़ खाने की। तो आज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं गढ़ कले में, लगभग मैं लॉकडाउन के बाद अभी आया हूँ भैया, मतलब सस्ती होता है ना वो बच्चे का जन्म वाला, इसको ही देते हैं, इसको कहवा भी बोलते हैं कश्मीर में, इसको लाल चाय बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। ये सही है, सुबह सुबह पीना चाहिए इसको, वही तो ये चाय ज़्यादा फायदे करते दूध से, और सेम इसी को वहाँ पियोगे ना जम्मू कश्मीर में, कहवा बोलते हैं। अच्छा, ये सही रहता है। हाँ, अदरक वगैरह डले रहता है काकी चाय। एमडी में जो मिलता है ना, नींबू वाला, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं लगता, ये ज़्यादा बेटर है, ये फ़ायदा भी करता है। हाँ, कोई होंगे यूट्यूबर बनना होगा तो कंटेंट के लिए गए होगी, मस्त दिख रहा है गाड़ी अपना, इतने दिन बाद चलाए हफ्ते भर बाद, ऐसा लग रहा है गाड़ी अपग्रेड करने का टाइम आ गया भैया। कैसे? शुड आई अपग्रेड माय डोमिनर टू अदर, प्लीज कमेंट बिलो। मज़ा आ गया लेकिन यहाँ खाने में, वो चाय ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया सच में। अभी जाके खाना नहीं खाऊंगा मैं, शाम को पिट्ठू सा था ना मैं, आज शाम को मटर, वो सूजी का हलवा, केला, अंगूर, ये सब खाया था। चलो अब ऑफिस जाओगे ना अपने? नहीं, घर ही चलता हूँ, अब थोड़ा थकावट लग रहा है, दिन भर आज वो कार की दुकान में टाइम हो गया। ओ, सस्पेंशन का काम हो गया ना भैया। हाँ,
को भांजा। चलो ठीक है ना, पुलिस वाला तो पीछे से कॉल किया होगा कि बाइक वाला आ रहा है। कौन मास्क नहीं पहना वो चेक करता है वो। पीछे से कॉल किया होगा उसको सुन करता है। वो जो गाड़ी वाले को रोक दिया, कार वाले को रोक दिया, मास्क नहीं पहना है ना उसने। चलो भैया ठीक है, इधर से मैं निकल रहा हूँ घड़ी चौक से। बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते। तो एनीवेज गाइस, वीडियो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटा सा ब्लॉग, जनरल ब्लॉग, और कुछ काम था, थोड़ा सा नाइट हो जाता है क्योंकि भाई शाम को हम लोग को टाइम मिलता है, इसलिए क्या करें, शाम को वीडियो बनाते हैं। एंड गाइस वन थिंग, अपना चैनल 12K हो गया, 12,000 सब्सक्राइबर। नाउ KKR फैमिली इज 12,000। वो धीरे से ग्रो हुआ लेकिन कोई नहीं, अपनी फैमिली धीरे धीरे बढ़ेगी तो कोई नहीं, जल्दी से इसको 100K तक ले जाना है। तो कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। और आप लोग चैनल को और भी सपोर्ट कर सकते हो अगर अमेज़न अफिलेट लिंक के थ्रू आप लोग कुछ परचेस करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से जाके आप कुछ भी परचेस करोगे कोई भी चीज़ का, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने में आसानी होगी। तो प्लीज़ डू इट गाइज। तो थोड़ा सा मैं भी कहीं ट्रेवलिंग वेलिंग कर पाऊँगा। सीधी बात है, अमेज़न अफिलेट से डिजिटल मार्केटिंग का कुछ कमीशन मिलता है अपने को, आप लोग कीजिए ज़रूर। ओके, बाय बाय, कीप लविंग अस।